भरोसा नहीं है, इसे एक बार काट चुके हैं ना। किसको काट चुका है? अरे मतलब ये वाला नहीं, तो कहीं पे काट लिया था मेरे को। तुम लोग अंदर नहीं आना है, चलो अंदर, चलो चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए ठीक है भैया, 8 रुपये कम है ना? 8 रुपये भैया कम है, अब क्या कर सकते हैं। देखे रहे ना मरे भाई, काट कूट लेंगे ये लोग, बस कुत्तों से डर लग रहा है भाई। रात में इसीलिए नहीं काम करता हूँ, क्योंकि ये कुत्तों के पता है 11 बजे के बाद इनके दिमाग खराब होने लगते हैं। निकले पहले यहाँ से दाएं बाएं हुए हम, कहीं काट कूट लें तो और आफत हो जाएगा हमारे लिए। अब आ जाओ भाई, ये रहा ऑर्डर सामने, द ग्रिल लिखा है, द ग्रिल चिल, इसका नाम चिक चिक चिकन कॉर्नर 2 है, चिक चिक चिकन कॉर्नर 2। और इस ऑर्डर को रखते हैं पहले तो बैग में। भाई आवाज़ और सब कुछ जो देख रहे हो ना, वो सब बदल चुकी है हमारी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। और ये वाला जो ऑर्डर लेकर के जाना है, मैं दिखा दे रहा हूँ कितने किलोमीटर लेके जाना है, मैंने किलोमीटर भी खोल रखे हैं। 800 मीटर पे देना है, 20 रुपये का ऑर्डर है, और 18,238 हो रहा है। 300 वाला जो है पारा, जब 38 की जगह पूरा 100 हो जाएगा तब 300 होएगा इधर, ठीक है। तो देखते कितनी बाइक चलने वाली है, और मेरे पास टाइम देख लो, अभी 2:35 हो रहा है, 2 बजे से रात 11 बजे तक शिफ्ट है, तो कितने घंटे हुए आप लोग डिसाइड करके बता देना, और चलते फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करना। ये वाला ऑर्डर आपके साथ में डिलीवर करेंगे। और वेरा पता नहीं क्या हो रहा, तबीयत हमारी ख़राब हो रही है, हम क्या गलती कर रहे हैं हमें पता ही नहीं भाई। जो कि कपड़े लगते सही से पहन के आ रहे, मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि कपड़े हल्के पहन के आ रहे हों जिससे ठंडी वंडी घुस जाए, ऐसा भी नहीं है। चलते बराबर से ये वाला ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ठीक है भैया। आ गए, ये लीजिएगा, धन्यवाद। पहला ऑर्डर अपना डिलीवर करते हैं। ट्रिप अर्निंग 20 रुपये ही रहेगी, बढ़ने वाली नहीं है, मे भी 20 रुपये है। 16 मिनट लगे हैं, देख लो दिख रहा हो तो, आई मीन। और चलते दूसरे ऑर्डर के लिए, अभी पूर्णिया पे, यहाँ संडे का दिन है, तो कंपनी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बड़े बड़े ऑर्डर डालो, बड़े इन द सेंस कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑर्डर डालो, लंबे 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 ऑर्डर को पे आउट अच्छा मिलता है आज के दिन, संडे के दिन, समझ रहे हो ना भाई। तो कोशिश है, देखते क्या होता है, बाकी काम थोड़ा सा आराम से ही करें, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है और कुछ नहीं, ठीक है। Meanwhile आया भैया एक ऑर्डर तो आया मेरा, कोई सा 35 रुपये का बटर स्टोरी से ही आया है। चलो वहीं जा ही रहे थे हम, रोबोट रेस्टोरेंट जहाँ पर है ना, वहीं पे बटर स्टोरी भी है, चलते अपना बटर से इसको पिकअप करते हैं, ठीक है। आ गए भैया बटर स्टोरी, ये देखो ऊपर लिखा है यही है, अब देखें रीच करके कहाँ भेजा है इन्होंने, और रेडी है कि नहीं। ऑर्डर तो रेडी है, फजुल्लागंज भेज दिया क्या 35 रुपये में? 35 रुपये मतलब 3 किलोमीटर में यहाँ से वही होगा, 3-3.5 किलोमीटर का ऑर्डर। फटाफट से इसको पिकअप करते चल के, कौन पिन पिन आ रहा है। सॉरी, छोले कुलचे मैम, ये ऑर्डर रेडी है, पिकअप हो गया है। ओके ओके, शुक्रिया। किलोमीटर खोल के देखते कितने हैं, 2.9, वही कह रहे 3 किलोमीटर के अंदर का होगा, मैंने किलोमीटर नहीं देख पाया था ना, यहीं पे है रोबोट वोबोट सब कुछ है। चलते इसको भी फेंकने फटाफट से है, फिर कोई बात करते हैं, थोड़ी सी एक डिस्कस करना है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे भी फ़ोन नहीं उठ रहा था भैया का, बट उठ गया बाद में, फ़ोन नहीं उठा भैया खुद निकाला है सामने। ये लीजिए भैया, धन्यवाद। चलो भाई ये वाला भी ऑर्डर अपना डिलीवर करते हैं, हो जाए यार, क्या हो रहा है भाई, आपको दिखाऊँ ना तो आप लोग विश्वास नहीं मानो ठंडक में क्या हो रहा है। 34 रुपये, 1 रुपये कम कर दिए कंपनी ने, कोई बात नहीं, अभी हम दिखा रहे हैं। इसमें से ये उंगली देख रहे हो, ये स्वेलिंग देख रहे हो भाई यहाँ पे, अब शायद दिखना कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं, कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, बट ये एज देखो और ये एज देखो, दोनों के एज देखो अलग अलग है, और ये उंगली का देखो पॉस्चर, ये उंगली का पॉस्चर देखो भाई। मेरे पता है ये भी उंगली हल्की सूज रही है, मेरे एक टाइम पे मतलब आज से 2-3 साल पहले जब रात में सर्दियों में काम करते थे स्विगी में, भाई मेरी ये मोटी उंगली हो जाती थी,
इतनी मोटी उंगली हो जाने के बाद भाई समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्लड एकदम फ्रीज हो रहा है। पता नहीं कुछ तो होता है, ये कई लोगों के होता होगा, आपको शायद मालूम होगा, जिनकी सर्दियों में उंगली सूज जाती हैं, तो वही पता नहीं बीमारी कह सकते हैं या इन्फेक्शन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो वो हो गया था। फिलहाल अभी ठीक है, मेरे 2 साल से नहीं हो रहा है। इस बार हल्का सा हुआ है क्योंकि मैं ग्लव्स व्लव्स पहनता हूँ भाई। ग्लव्स पता, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी ऐसा होता था मेरे साथ कि मतलब मैं घर से निकला हूँ, अपने टोंजा से निकलने के बाद भी यहाँ पूरा दिन काम करा, ग्लव्स हाथ से उतरते नहीं थे, उतरते थे बस केवल मैप ऐप चलाने के लिए, फिर फट से ग्लव्स पहन लेते थे उसके बावजूद भाई। तो ये थोड़ा सा है, पता नहीं क्या था, अभी फिलहाल सही, भगवान की दृष्टि है और अपने कर्म भी है सबसे बड़ी बात। चलते भाई, हम मिलते थोड़ी देर में आपसे, थोड़ा सा रीगी के लिए भी माल वाल इकट्ठा कर ले। और हाँ, हम जो चीज़ बात करने चाह रहे हैं कि हम कल स्विगी में सोच रहे करने के लिए, सोच नहीं रहे एकदम फाइनल है भाई, कल से पूरा 1 हफ्ता स्विगी मारे। बट यार थोड़ा सा हेल्थ के कारण यार पीछे हटने का मन तो नहीं है, हटेंगे भी नहीं और करेंगे, देखेंगे बस। मतलब जब तक शरीर हल्का सा भी 2% भी अगर जवाब देगा कि हाँ काम कर लो तो ठीक है, तब हम निकल आएंगे। क्योंकि पता है बीमारी तब तक लगती है जब तक आप बाइक पे बैठते नहीं हो घर से निकल के, और जब तक 1-2 ऑर्डर करते नहीं हो। अभी कुछ 2 ऑर्डर करें, थोड़े और 1-2 ऑर्डर करेंगे तो रिलैक्स मिलेगा, बस ऑर्डर लगते रहे फटाफट, तो वरना अगर बैठा देगा तो फिर वो बीमारी, वो तबीयत ख़राब हो एकदम हावी होने लगती है शरीर पे, अगर आप कोई एक्टिविटी करते रहते तो उस पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में अभी हम। 6.5 hours later. शुक्रिया। ठीक है भैया खींच लीजिए, शुक्रिया 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 शुक्रिया, धन्यवाद मेरे भाई। ये लीजिए, धन्यवाद, ये लीजिए बेटा आराम से। ठीक है, धन्यवाद। अपने बिहारी की दुकान पे आ गए थे, अब तो बगल में चिकन बिरयानी दुकान खुल गई, ये कैर लीफ लगा रहे हैं, 68 रुपये का ऑर्डर है, 5.59, यानी कि देख रहे हो भाई संडे के दिन का पे आउट देख रहे हो कितना सही मिलता है, मतलब 6 किलोमीटर का और 5.5 किलोमीटर का ऑर्डर है 5.59 का, और पैसे देख रहे हो आप लोग। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। फाइनली हाथ हो गए भाई कैरी लीफ, वो सामने कैरी लीफ है, बट इन्होंने उल्टा भेज दिया है क्या हमको, देख लीजिए सर, अगर उल्टा भेजा होगा शिफ्ट बुक करेंगे भाई, फालतू घर नहीं जाएंगे खाली। तो देखो साला चौक भेज दी से यहाँ से, सुअर पना देख रहे हो, मतलब अबे 5 किलोमीटर तो नहीं होना चाहिए, वो 5 किलोमीटर है यार यहाँ से लाजपत नगर, 5.56 मे भी हो सकता यार। हाय हाय हाय, ये कौन सी रोड है? ठीक है, तो अंटावर के सामने वाली रोड, ठाकुरगंज वाली रोड कौन सी थी? हाँ यही है। तो भाई हम सोच रहे हैं कि एक शिफ्ट हम बुक कर ले रहे हैं, आपके सामने देख लो 11 से 12 बुक कर ले रहे हैं, खुली पड़ी है अभी, ये रही 11 से 12, क्योंकि भाई घर तो नहीं खाली जाने वाले हम, वहाँ से ऑर्डर खिंचवा लेंगे, मतलब एक खिंचवा लेंगे क्या, एक ऑर्डर लगवा लेंगे। ठीक है, अभी रेडी नहीं है, देखते क्या होता है, अब मिलते हैं थोड़ी यार, पकौनी हो गई है समझ रहे हो, पकौनी। 2000 years later. ऑर्डर तो रेडी हो गया भाई, कैर रिलीफ वाला, ये रहा, कहाँ गए ये, हमारा रेडी हो गया, आप कहाँ चले गए, वाह भाई वाह, चूतिया बनाया तुमको। ऑर्डर रेडी करें ना इनको, इनको 8 मिनट हो चुका है, अभी तक ये ऑर्डर नहीं दे पा रहे, पूछ रहा हूँ तो हाँ अभी दे ही नहीं पा रहे, तो रेडी काहे कर देते हो मेरे भाई। भैया हुआ सब्जी पूड़ी वाला दे दो भाई, अब हमें लग रहा आखिरी पर्ची है भाई, हमारा ही वाला टंगा है। चलो भैया और लगाओ। Any months later. हाँ और पूरी बाजी सब कुछ है, देख लो दोनों आइटम। दोनों आप देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पिकअप हो गया है। चलो भैया इसको देते हैं, आपको दिखाते हैं बढ़िया सा एक सिनेमैटिक शॉट, बहुत दिनों का नहीं दिखाया ना, मेरे पास एक व्यू मिलेगा ना पूरी हजरतगंज की रोड का,
तो आपको एक सिनेमेटिक दिखाएंगे बढ़िया स्लो मोशन में, मजा ना आए तो बताना, पैसे वापस हमारे। लखनऊ को सिटी सेंटर की आप वो देखो क्या कहते हैं, खूबसूरती जिसे बोलते हैं, ठीक है। भैया आ गए हैं लोकेशन पे और कस्टमर ने ना भाई थोड़ी बहुत नहीं बहुत देर ज़्यादा वेट करा लिया है। भैया काटेगा तो नहीं है, परेशान कर रहे थे, हमने कहा बुला ले आपको ना, काट कूट ले जी लीजिए। चेंज है भैया? चेंज नहीं है, ऑनलाइन कर दोगे आप? मैं चेंज है ही नहीं। ऑनलाइन कर दोगे? मैं आप ऑनलाइन आप वापस कर दो, हो नहीं रहा। 374 रुपये हुआ। अच्छा आइए उधर दे रहे हैं आपको। अरे काट ले ले भैया, इसलिए बोल रहे हैं आप रहोगे तो बचे रहेंगे, भबोर देंगे ये लोग। हाँ भैया रुक जाओ जरा सा, भरोसा नहीं है इसे, एक बार काट चुके हैं ना। अरे मतलब ये वाला नहीं, तो कहीं पे काट लिया था मेरे को। चलिए ठीक है भैया, 8 रुपये भैया कम है, अब क्या कर सकते हैं। देखे रहे ना बड़े भाई, काट कूट लेंगे ये लोग, बस कुत्तों से डर लग रहा है भाई। रात में इसीलिए नहीं काम करता हूँ क्योंकि ये कुत्तों के पता है 11 बजे के बाद इनके दिमाग ख़राब होने लगते हैं। निकले पहले यहाँ से दाएं बाएं हुए हैं, कहीं काट कूट लें तो और आफत हो जाएगा हमारे लिए। ऑर्डर तो बच गया, अभी दिखा रहे पहले इन लोगों को दूर हो जाए। ये देखो इतने लोगों दूर हो नहीं पाए, एक और आगे आ रहा है। रॉयल कैफे खींच के पता नहीं कहाँ भेज दे रहे हैं, 4.5 किलोमीटर का, मतलब हजरतगंज खींच ली से यहाँ से चौक से। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई। पहुंच गए भैया रॉयल कैफे, गाड़ी वाड़ी यहीं कहीं खड़ी कर दे, आ तो जगह ही जगह है, अब तो रात को 12 बजने वाला है, जगह तो होएगी ही। देखे रेडी है कि नहीं महाराज, अबे भाई रेडी होने वाला है, शालीमार गैलेंट जाना है। टाइम 11:34 हो गया, देखते हैं क्या होता कब। हम अपना लास्ट ऑर्डर फाइनली इसको डिलीवर करते हैं, आईडी मेरी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। 12:18 हो रहा, बाद में कस्टमर ने 20 रुपये टिप ऐड कर दी थी, 65 रुपये का ऑर्डर था, 85 का हो गया, ठीक है। अब चलते हैं घर पे, सब कुछ बताते हैं, बाइक का मीटर दिखा दे रहे हैं पहले आपको। बाइक का मीटर 18,365 हो रहा है कि 465 हो रहा है देख लो भाई, कंफर्म नहीं है बट 365 होगा मे बी, सवेरे का देख के अभी अनुमान लग जाएगा, ठीक है। घर चलते हैं अब। हाँ तो भैया जा चुके घर पे, एकदम खा पी के एकदम फिट हो चुके, गाजर का हलवा बना था भाई घर पे आए हैं, क्या ही खाना खाने के बाद थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा वाला खाया है, मज़ा आ गया एकदम, पेट टन हो गया। और अर्निंग दिखाते हैं, अर्निंग जो की है यहाँ पे 1146 रुपये की आपको विजिबल हो जाएगी, 1146 रुपये की अर्निंग और 150 रुपये इंसेंटिव जो कि अभी शो नहीं हो रहा है। सैटरडे संडे को ये दिक्कत होती है कि मैं संडे को दिक्कत होती है क्योंकि ये लोग सेटलमेंट करते हैं ना, फिर एकदम पूरा एडजस्टमेंट करके फिर फाइनल फॉर्म में कल भेजते हैं, कल यानी कि मंडे को भेजते हैं, तो मंडे को दिखता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं जैसे क्लियर हो जाएगा तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा शॉर्ट्स में कि मेरी वीक पूरे वीक की हर अर्निंग कितनी हुई है वो भी डाल दूंगा, 6 दिन काम करा 6 दिन की अर्निंग जो भी रहेगी वो दिख जाएगी आप लोगों को कल शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। बाइक चली 127 किलोमीटर चली तो 250 पेट्रोल निकालने के बाद 1300 रुपये लगभग अर्निंग हुई मेरी, 1296 रुपये उसमें से 250 काट लो तब भी 1050 रुपये बच गया है 10 घंटे में, तो बहुत सही बच गया संडे के हिसाब से, ठीक है यार। मतलब उम्मीद थी करवा देगा, जो करवाया वही सही है, ठीक है। गुरबत में अगर 1000 रुपये खा पी के बच रहा है तो सही है, और क्या ही चाहिए। और अपन कल से चैलेंज ले रहे हैं, 1 वीक चैलेंज ले रहे हैं, तबीयत बस ठीक रहे है, सब कुछ ठीक रहे, बस हम कोशिश में है सब कुछ सही रहेगा ऊपर वाले की दुआ से और आप लोग के आशीर्वाद से। तो कल से स्विगी मारेंगे पूरा एक हफ्ता, बैग वैग नया लेके आ ही गए थे हम, वही बैग बांधेंगे कल से पूरा एक हफ्ता स्विगी करके देखेंगे क्या होता है,
स्विगी में 2024 में क्या बदलाव हुए हैं, पूरे एक हफ्ते का चैलेंज है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बताना इसके बाद ये चैलेंज खत्म करने के बाद सोच रहे बाइक टैक्सी का एक हफ्ते का पकड़ ले, ऐसा सही रहेगा कि नहीं, आप लोग को मजा आएगा कि नहीं, अगर कुछ और चाहिए तो वो कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और कुछ भी नहीं दुनिया में अच्छा है। ठीक है।